गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र के प्रताप बिहार में मन्नत चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम ने आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण कर अपने प्रोजेक्ट का प्रोग्राम किया है और इसकी अध्यक्षता इंजीनियर फिरोज अली सीईओ एंड प्रेसिडेंट ऑफ एनसीडब्ल्यूएस की निगरानी में हुई है, जहां मन्नत चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैनेजमेंट टीम में सभी मेंबर्स और वॉलंटियर्स का काफी योगदान रहा है। जहां इस उत्सव प्रोग्राम में फैज न्यूज चैनल के क्राइम रिपोर्टर सद्दाम हुसैन को न्यूज चैनल की शील्ड देकर के सम्मानित किया गया। वहीं प्रोग्राम पर मैनेजमेंट का सारा कारोबार और प्लानिंग इंजीनियर आदिल खान वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मन्नत चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी की देखरेख में हुई थी, जहां संस्था की प्रोजेक्ट हेड प्रोजेक्ट 3 और C2 ट्रेनर मिस नाजमी ने मंच संचालन किया। तो वहीं प्रोग्राम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बेटी रक्षा दल व उनकी टीम भी मौजूद थी और विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री त्रिभाकर सिंह फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अनुष्का रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड भी थे, जहां डॉक्टर प्रदीप वासड़े चेयरमैन ऑफ मेगा हॉस्पिटल प्रताप बिहार गाजियाबाद और डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जीएम मेगा हॉस्पिटल व उनकी टीम भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी। वहीं संस्था के कार्यक्रम में मौजूद प्रताप बिहार चौकी व थाना विजयनगर की पुलिस मौजूद रहे और कांस्टेबल लॉरेंस चौधरी और अक्षय सिंह प्रताप बिहार चौकी ने लड़कियों को सर्टिफिकेट भी वितरण किए हैं। जी, मेरा नाम इंजीनियर फिरोज अली, फाउंडर एंड सीईओ मन्नत चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी। आज मन्नत चैरिटेबल के अंदर बड़ी ही धूमधाम के साथ आज़ादी का 75वां साल मनाया जा रहा है। जी, किस तरीके से योगदान दे रहे हो आप और आपके पूरी टीम इसके अंदर? जी, मैं हमारी मौजूदा गवर्नमेंट का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हर घर घर तिरंगा का एक अभियान शुरू किया है और मन्नत चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी ने आज प्रोग्राम किया, प्रोग्राम हर्षोल्लास के साथ मनाया और झंडे भी वितरण किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल चुके, हमारे आने वाली पीढ़ी को पता चल चुके कि आज़ादी क्या थी। और मन्नत चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी ने अपने सभी मीडिया बंधु, आने वाले हमारे स्पॉन्सर्स पार्टनर्स और अपने पास हुए सेंटर 2 में थर्ड बैच के बच्चों को सर्टिफिकेट वितरण किए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे जमील चौधरी जी का, आदिल खान वाइस प्रेसिडेंट साहब का और नाजमीन खान जी का जो हमारे प्रोजेक्ट थ्री की हेड हैं। प्रोग्राम का समापन बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ और प्रियंका जी और सद्दाम जी हमारे जो मीडिया बंधु हैं उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मन्नत चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी बहुत जल्द अब हॉस्पिटल क्षेत्र में अपना प्रोजेक्ट शिफा शुरू करने वाला है। मन्नत चैरिटेबल जो ये एनजीओ है, इस एनजीओ का आखिरकार कार्यकाल क्या है? आज तो आज़ादी का उत्सव मनाया जा रहा है जो कि 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, बड़े ही धूमधाम से पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। जी, मन्नत चैरिटेबल जो एनजीओ है इसका कार्यकाल क्या रहा है आखिरकार? कार्यकाल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर। हम लोग सभी टेक्निकल लोग हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, एम्स में भी डॉक्टर काम करने वाले मेरे साथ मेरी की मैनेजमेंट टीम में है। इस एनजीओ से आखिरकार गरीब लोगों को किस चीज़ का सुविधा रूप? जी, जैसे कि हम लोग प्रोजेक्ट के रूप में काम करते हैं, यही बात होती है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, एक कोई फाउंडर चलाता है। विजयनगर क्षेत्र के प्रताप बिहार में मन्नत चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम ने आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण कर अपने प्रोजेक्ट का प्रोग्राम किया है और इसकी अध्यक्षता इंजीनियर फिरोज अली सीईओ एंड प्रेसिडेंट ऑफ एनसीडब्ल्यूएस की निगरानी में हुई है। यहां मन्नत चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैनेजमेंट टीम में सभी मेंबर्स और वॉलंटियर्स का काफी योगदान रहा है। जहां इस उत्सव प्रोग्राम में चैनल के क्राइम रिपोर्टर सद्दाम हुसैन को न्यूज चैनल की सील देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रोग्राम पर मैनेजमेंट का सारा कारोबार और प्लानिंग इंजीनियर आदिल खान वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मन्नत चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी की देखरेख में हुई थी, जहां संस्था के प्रोजेक्ट हेड प्रोजेक्ट 3 और C2 ट्रेनर मिस नाजमी ने मंच संचालन किया। तो वहीं प्रोग्राम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बेटी रक्षा दल व उनकी टीम भी मौजूद थी और विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री त्रिभाकर सिंह फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अनुष्का रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड भी थे, जहां डॉक्टर प्रदीप वासड़े चेयरमैन ऑफ मेगा हॉस्पिटल प्रताप बिहार गाजियाबाद और डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जीएम मेगा हॉस्पिटल व उनकी टीम भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी। और संस्था के कार्यक्रम में मौजूद प्रताप बिहार चौकी व थाना विजयनगर की पुलिस मौजूद रहे और कांस्टेबल लॉरेंस चौधरी और अक्षय सिंह प्रताप बिहार चौकी ने लड़कियों को सर्टिफिकेट वितरण किए। और मेरा हमेशा मानना यह है कि हिंदुस्तान 75 सालों में बहुत आगे बढ़ा है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है, लेकिन अब हमें कहते हैं कि हम आसमान तक तो आ गए, अब कहाँ इस आसमान भी बहुत और भी बाकी है।
आसमा भी बहुत और भी बाकी है और हर हमारा हिंदुस्तान है कल का, ये जो बच्चे हमारे हिंदुस्तान है विजयनगर क्षेत्र के प्रताप बिहार में मन्नत चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम ने आज 15 अगस्त 2020 पर अपने प्रोजेक्ट का प्रोग्राम किया है और इसके अध्यक्ष इंजीनियर फिरोज अली सीईओ एंड प्रेसिडेंट ऑफ एनसीडब्ल्यूएसपी निगरानी हुई है, जहां मन्नत चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैनेजमेंट टीम में सभी मेंबर्स और वॉलंटियर्स का काफी योगदान रहा है। जहाँ इस पुस्तक प्रोग्राम में हैज न्यूज चैनल के क्राइम रिपोर्टर सद्दाम हुसैन को न्यूज चैनल की सील देकर के सम्मान किया गया। वहीं प्रोग्राम पर मैनेजमेंट का सारा कारोबार और प्लानिंग इंजीनियर आदिल खान वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मन्नत चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी ने देखी हुई थी, जहाँ संस्था की प्रोजेक्ट हेड प्रोजेक्ट 3 और सीटिंग ट्रेनर मिस नाजमी ने मंच संचालन किया। तो वहीं प्रोग्राम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बेटी रक्षा दल व उनकी टीम भी मौजूद थी और विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री प्रभाकर सिंह फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बड़ी प्राइवेट लिमिटेड भी थे। डॉक्टर सुधीर बासले चेयरमैन ऑफ मेगा हॉस्पिटल प्रताप बिहार गाजियाबाद और डॉक्टर संजय श्रीवास्तव इंडियन मेगा हॉस्पिटल व उनकी टीम भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी। वहीं संस्था के कार्यक्रम में मौजूद प्रताप बिहार चौकी व थाना विजयनगर के पुलिस मौजूद रहे और कांस्टेबल लॉरेंस चौधरी और अक्षय सिंह प्रताप गाजियाबाद से क्राइम रिपोर्टर सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।